सारे काम विधायक के जरूरी है हमने ग्राम पंचायत सरपंच की सरकार दी थी, पंचायत में जो विकास कार्य गांव ने करे थे पंचायतों ने उनकी दी थी। भाई डस्टबिन है गांव में, कोई डस्टबिन नहीं लग रहा है, ना बेंच लगाए हैं, वे बेंच नहीं रिकॉर्ड में ज्यादा है। और जो इन गांव के अंदर सोल्जर लाइट लगी हुई दिखाई है, कोई गाँव में सर्वे कर लो आपने, देख चेंगे कितनी लग रही है। आज लो एक भी चालू नहीं है लाइट, जो इन जोड़ खोदाई खुदाई का बताया वहाँ लिख दिया हमने जोड़ खोद दिए हैं, सूचना पट पर हमने जब देखा जोड़ खुद गया उन पर खर्चा हो गया, जब हमने दरखास्त दी है सूचना पट पर लिखने के बाद भाई जोड़ तो कोई खुदा नहीं, इन्हें दिखा दिया हमने बाड़ी वाली चौपाट भी बनाई है, इधर इनकी चौपाट बनाई है जो कि पुरानी पंचायत के टाइम में बन गई है और ये अपनी पंचायत में दिखा रहे हैं। न जर्नल चौपाट थी, सामाजिक जर्नल आदमियों की कोटे की बनाई हुई थी तगड़ी पाँच, वो ना बिना मतलब उखेड़ दी, किसी की पूछा भी नहीं है उखेड़नी है कि नहीं उखेड़नी है। तो कृष्ण जी जोड़ बन रहा है आपके गांव में, कैसे क्या शिकायत है इससे? शिकायत तो यह है ये पूरा जोड़ तो नहीं खुद रहा, नहीं पूरा जोड़ खुदना चाहिए जितना है। हाँ क्यों नहीं खुदा जा रहा जोड़? ये कब्जे कर रखे जी जी और कब्जे करवा दिए और पहाड़ बना गए। हाँ जहाँ पर बटोड़े लग रहे वहाँ तभी खुदना चाहिए था। हाँ तो रिकॉर्ड में कितना बड़ा है जोड़ ये है जी 1.87 किलो। तो मौके पे कितना है? मौके पे तो ये 2.5 किलो है, बस 2 ही किलो बस इतना, बाकी अवैध कब्जा है। तो ये काम अब शुरू हुआ है, जब बरसात आने वाली है, बरसात से पहले हो जाएगा पूरा? नहीं होगा। तो फिर आप लोगों ने कहा नहीं बारिश से पहले करना चाहिए थे? बीच में काम रुक गया था जी। अच्छा बीच में काम रुक गया था जी। अभी काम कैसा है यहाँ? वैसे भी ठीक चल रहा था जी, फिर ये तो 2 कुएं बना दिए जी, तो सीधे ही मटेरियल वगैरह जो लग रहा है ठीक लग रहा है। ऐसे क्या मामला है आपके गांव के जोड़ का? मेरे गांव के मामला जोड़ का ये है जी, 2005 में संगीता देवी सरपंच चुने गई थी और पंचायत मेंबर चुने गए थे जी, और जब इन्हें सूचना पट पे लिखा हमने जोड़ की सफाई कर दी है, ड्रेन की सफाई कर दी है, उस पर हमने दरखास्त दी वीडियो साहब को, DC साहब को और CM विंडो पे जी। फिर जब उस पर हमने कहा मौके की जाँच करेंगे, मौके की जाँच नहीं हुई, फिर हमने RTI लगाई तो RTI का भी रिकॉर्ड नहीं मिला। हमने मौका खुदाई कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे, भाई चल कर रहे हैं ये लोग अंडर अटैच, मैंने खुद आके इनको कहा अभी खोदने दो जोड़, हमने खुद खदवाया। जब यो आधा इधर का पोर्सन खुद गया इधर खोदने का आया, मैं सलस बाहर निकाल लो, बोले भी ये तो सलस बाहर नहीं निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, हम जाएगा वीडियो से क्यों नहीं निकाल रहे, क्या कारण है बताया नहीं। उधर पहले जो इन्हें काट सलस गेरी थी काट गया, उसके ऊपर ये बटोड़े बटाड़े टिक गए, कोई बात नहीं, आगे फिर सलस हो रहा, आगे बढ़ा दिया एरिया, मगर अभी वो जोड़ खोद रहे हो, कब्जे करवा रहे हो, क्या कर रहे हो? इनके पास 2005 में जो 15 में जो निशानदेही हुई वो उसके ऊपर एस्टिमेट बनया, एस्टिमेट के ऊपर इन्हें फिर आगे ग्रांट लिया और इन्हें जोड़ कह दिया कि अपने सूचना पट पर हमने खोद दिया और आज तक ये खोदया नहीं है। एस्टिमेट का रिकॉर्ड देख लो इनको, क्या क्या अम्बेई भरी है और क्या इन्हें जोड़ खोद दिया, जो आपके सामने है जी जोड़ भी। तो ये क्या बनना है?
ये जब तक आते इसको हम एक ही पोर्शन बना देंगे, इसको खोद देंगे, खुला रहेगा। आप कह रहे हैं इसमें कुएं बनेंगे, उस टाइम तो बताया नहीं ना हम कुएं बनेंगे ये बनाएंगे। हमने जब देखा सिस्टम ये गलत हो रहा, हमने जब जाकर साहब तो बताया ये तो गलत हो रहा। अब ये आते हैं ये इन जेई साहब हैं, जेई साहब बोले हमने वीडियो का लेटर लिख दिया। चलो भी बढ़िया, मटेरियल कैसा है लगा रहे हैं? मटेरियल भी आपके सामने है जी, कच्ची ईंट लग रही है सारी। आज चालू कराया है ना ये, आज चालू कराया ये सिस्टम। बारिश से पहले हो जाएगा पूरा? नहीं हो सकता जी, तो बारिश तो आ गई है जी, रात भी बारिश थी, अब कैसे हो जाएगा। बरवाल जी है जी। हाँ जी, तो क्या हो रहा है यहाँ पुंडरी गांव में? यहाँ पे सर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अपना जोड़ का निर्माण किया जा रहा है जी। इसका मतलब 2018 में सेंक्शन हुआ था ये जी, और यहाँ पे लगभग 2-3 साल से काम चल रहा था, लेकिन बीच बीच में बारिश आ जाती थी, धान डल जाता था बारिश के कारण। और अब हमने लास्ट टाइम अगस्त में भी हमने ट्राई किया था, उस टाइम भी काफ़ी बारिश आ गई थी, पानी निकाल था, इसका काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब बारिश को सीजन को देखते हुए अप्रैल और मई में, क्योंकि बारिश तो होती नहीं उस टाइम, और हमें पानी निकालने की जगह भी मिल जाती है, हमने पानी निकाल के इसका युद्ध स्तर पर हमने इसका काम चला रखा है, और आने वाले मतलब 2 हफ्ते के अंदर हम इसको कम्प्लीट करते हैं। क्या कुछ लागत है इसकी जी? इसकी लागत सर 34 लाख रुपए। 34 लाख रुपया, कब तक पूरा होने की उम्मीद है? 2 हफ्ते में हो जाएगा? हाँ, 2 हफ्ते में पूरी कोशिश है। बारिश का सीजन आने वाला है, कैसे पूरा करो आप? किस साल भी बारिश होगी, अभी तो 2-4 दिन बाद बारिश तो सर है, आने वाली है, लेकिन 2018 से तो बारिश का इंतजाम कर दिया इसके अंदर। इसका एक पार्ट जो हमने बनाया है, बारिश का पानी सारा उधर ही जा रहा है, जिसमें हमारा काम चल रहा है, उसमें बारिश की बूंदे तो ऊपर से आगे बस हो जाएगी, वह नालियों का पानी कोई नहीं जाएगा। तो ये अरेंजमेंट जो अब किया आपने, कोशिश करी थी उन्होंने, शुरू की थी, लेकिन उस टाइम दौरान बारिश बहुत आई थी। हाँ जी, सारी बर्म सब टूट चुकी थी। 18 भी गया, 19 गया, 20 गया, 3 साल जा चुके हैं। आपकी तो पोस्टिंग हुई भी, कोशिश की थी तो अभी तक नहीं है। 18-19 में मैं प्रॉपर डेट नहीं था। तो आप मानते हैं? अब कब्जे के लिए हमने वीडियो मैडम को तत्कालीन एसडीओ ने भी लिखा था, और हमने भी लिख रखा है, और हमने वर्बल भी बोल रखा भाई आप कब्जा छुटवा दो, ताकि मशीन अभी एक्सपेंशन काम चला वो भी साथ ही साथ हो जाएगा। फिर ऐसी क्या जल्दबाजी की कब्जे नहीं छुड़वाए काम शुरू कर दिया? तो बारिश को देखते हुए सर, जितना एरिया है उतना तो काम कराना ही है हमने। जो मटेरियल है इसकी गुणवत्ता ठीक है? मटेरियल की ये थोड़ी बहुत हल्की है, हमारी इंटें आई है, इसके बाद हमने मना कर दिया बिल्कुल, हल्की इंटें नहीं लगेगी। हल्की इंटें आई है? हाँ, ये थोड़ी मिक्सिंग नीचे भी चली गई, हमने देखा है। वो तो सिर्फ पोर्ट के लिए जी, वो ब्रिकवर्क में यूज नहीं होगी। वो भी हल्की है ना इंटें, वो स्पोर्ट में यूज होगी। इंटें तो हल्की, ये वापस जाएंगे।